हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू मैं सुनील शर्मा योर इंग्लिश टीचर योर हार्टली वेलकम इन विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस अगेन आपका फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन है विवेकानंद के ऑनलाइन क्लासेस में दोस्तों हम आपके बेस बेस बेसकीमती ग्रामर का टॉपिक एड बार डिस्कस कर रहे थे एडबर यानी क्रिया विशेषण जो विशेषता बताते हैं क्रिया की या फिर विशेषण की एडजेक्टिव जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं या फिर किसी दूसरी क्रिया विशेषण की दोस्तों अब से पहले अपन ने फाइव क्रिया विशेषण देखे हैं और क्रिया विशेषण के ठीक से परिभाषा को समझा लिखा है छठे नंबर पे आता है आपका एडवर्ब ऑफ रीजन यानी कारणवाचक क्रिया विशेषण इस विशेषण में दोस्तों हम उस क्रिया विशेषण को लेते हैं जो किसी भी कार्य के पीछे का कारण बताने का कार्य करता है कि किस कारण से ये कार्य हुआ इनको अंग्रेजी में एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं जैसे सी इज़ हैंस अनेबल टू कम टू स्कूल हैंस यानी इसलिए मैंने मेंशन भी किया है साइड में यहाँ पे कि यही कारण है कि इसके लिए वो स्कूल नहीं आ सकी अनेबल स्कूल आने में असमर्थ है नेक्स्ट है ही देयर फोर लेफ्ट द जॉब इसलिए उसने देर फोर का अर्थ भी तात्पर्य इसलिए होता है इस कारण से उसने अपना जॉब छोड़ दिया है तो इस दोनों वाक्यों में ऊपर वाले में दोस्तों हैंस है आपका एडवर्ब और नीचे वाले में देयरपोर आपका नेक्स्ट एडवर्ब है दोस्तों एडवर्बोपे अफर्मेशन एंड नेगे, नेगेशन इसका मतलब हकारात्मक हा, व नकारात्मक क्रिया विशेषण वे विशेषण दोस्तों जो हमें कार्य के लिए या तो किसी कार्य के लिए समर्थन करते हैं कि हाँ हमें कार्य करना चाहिए या फिर किसी कार्य के लिए इनकार या असहमति दर्शाते हैं उन्हें हम हकारात्मक या नकारात्मक क्रिया विशेषण कहते हैं इनको अंग्रेजी में आप सब जानते हो एडवरबोपे एफर्मेशन नेगेशन या नेगेटिव भी कह सकते हैं सी सर्टेनली अटेंडेड द क्लास वह निश्चित रूप से अभी सहमति है कार्य के लिए कक्षा में उपस्थित हो होती, होती थी एक सकारात्मक पहलू है दोस्तों ही डिड नॉट वेस्ट टाइम वह कभी भी अपना समय बेकार नहीं कर नहीं करता है था ही डिड नॉट वेस्ट टाइम वो कभी अपना समय बेकार नहीं करता था इस तरीके से दोस्तों आपने देखा होगा ये पांच, छठा और सातवां। इसके बाद नंबर आता है आठवें का आठवा एड इंट्रोगेटिव एडवर्ब है यानी कि नाम से पता चल रहा है इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक ऐसे एडवर्ब जो वाक्य में किसी कार्य के तरीके के लिए स्थान के लिए समय के लिए मात्रा के लिए इन सब के लिए पर्सन बनाते हैं उन्हें हम दोस्तों इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब में वो समस्त डब्ल्यू एच फैमिली आती है जिनसे पर्सन पूछे जाते हैं जैसे वैन है वेयर है विच है वॉट है हुज है मैंने ये मैंसन किया है लिखा है अब आप मेरे वीडियो के साथ जब ये लिखोगे इनको पेज पलट के देखोगे मैं पी के रूप में दो पेज डालूँगा जितना पढ़ाना हम तो समझ में आ जाएगा हुम है हुज है वाई है ये तो डब्ल्यू से चालू होने वाले हैं और ऐसे चालू होने वाले में हाउ हाउ मेनी हाउ फार हाउ लॉन्ग हाउ ओपन ये सब एचुल हैं फर्स्ट एग्जाम्पल है वेयर यू प्ले डेली तुम रोज़ कहाँ खेलते हो वैन डू यू रीड इंग्लिश तुम अंग्रेजी कब कब पढ़ते हो हाउ मेनी बाइक्स डिड यू सेल यस्टरडे कल तुमने कितनी बाइक्स बेची या हाउ मच मिल्क डू यू वांट तुम कितना दूध चाहते हो तो ये सब ये डब्ल्यू सी या ऐसे चालू होने वाले जितने भी प्रश्नवाचक शब्द है ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब है पर्सन क्रिया विशेषण है दोस्तों इसके बाद आते हैं रिलेटिव एडवर्ब यानी संबंधवाचक क्रिया विशेषण ये एडवर्ब वाक्य के दो भागों को जोड़ने का काम करते हैं दोस्तों साथ ही साथ ही जब दो भागों को जोड़ते हैं तो एक काम और करते हैं कि इस एडवर्ब के तुरंत पहले प्रयुक्त एंटेंस्ड एन एं, एंटेंसडेंट यानी पूर्व पद से संबंधित करती है जैसे दिस इज द रीजन वाई ये ये कारण है कि आई हैव कॉल्ड यू मैंने तुम्हें फ़ोन किया था अब वाई शब्द पहले वाले वाक्य को दोनों को जोड़ रहा है पूर्ववर्ती वाक्य इसमें यह है दोस्तों दिस इज़ द रीजन दिस इज हाउस वेयर सी लिव्स अभी वेयर शब्द दोनों को जोड़ रहा है सी लिव दूसरा वाक्य है और दिस इज द हाउस दिस इज द हाउस पहला वाक्य है तो इन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है वेयर और पूर्ववर्ती वाक्य इसमें कौन सा दोस्तों दिस इज द हाउस इस तरीके से वो सर वे एडवर्ब्स जो वाक्य में दो भागों को जोड़ते हैं उन्हें हम रिलेटिव एडवर्ब्स कहते हैं इस तरीके से एडवर्ब्स के छोटे छोटे प्रकार थे नो ये आपके कंप्लीट होते हैं मैं अपने अगले ऑडियो लेक्चर में एडवर्ब्स का कौन सी स्थितियों में कहाँ कहाँ प्रयोग होता है वो सब बताऊँगा दोस्तों क्योंकि वो मस्ट है सिक्स सेवन्थ में मोस्टली वैसे ही आता है वो एर्थ में तो अब इसको ज़्यादा बड़ा सीखने की ज़रूरत नहीं है एड्थ में दूसरे तरीके से आता है यहीं तक अगर कोई बंदा सीख रहा है काइंड्स ऑफ एडवर्ब यानी एडवर्ब के प्रकार देखें अपन ने नेक्स्ट ऑडियो लेक्चर में इनका प्रयोग कैसे होता है ये मैं आपको बताऊँगा उसके बाद इनकी एक्सरसाइज बचती है उससे नेक्स्ट वाले में अपन उसको शॉर्ट आउट करेंगे प्लीज़ लिसन दिस ऑडियो अगेन एंड अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इथ एटी से समझने का प्रयास भी करें और डू इट इन योर नोटबुक एज ए होमवर्क एंड सेंड मी आफ्टर फाइव पी एम ऑन माय पर्सनल व्हाट्सअप नंबर ओके बेस्ट ऑफ लक